तो समय था ये दिवाली का और हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट में घूम के जरा दिवाली के वीडियो लिए जाए या तो दुकानदारों से बात करके जरा दिवाली का हालचाल पूछा जाए। फिर क्या था, हम निकल पड़े। जो दिवाली है वो त्योहार तो है रोशनी का, कोई पर्टिकुलर रोशनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट्स की बात कर रहा हूँ, लाइट्स का और चमक धमक। तो यही एक्सपेक्टेड था हमें और वही मिला हमें मार्केट में जाके, चमक धमक, दिया, पटाखे और मिठाइयाँ तो कैसे भूल सकते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसिंग थी वो थी दुकानदारों के चेहरे पर चमक। पोजीशन आ गई है। कल क्या बोला पारस, पता क्या बोला? हाँ। बोले 400 का माल आया हुआ, 50 रुपये भी अगर मिले ऊपर दे दो सब। ऐसा 50 रुपये में भी जो है ना 6 रुपये का कैरी बैग छपा हुआ मेरा। एक बार कपड़ा है तो चलो मैं पूरे साल बेचूंगा, ये कहाँ बेचूंगा पूरे साल। बात कर रहा था मैं चमक की, चमक ना होने की वजह क्या है। उससे पहले जानते हैं चमक होने की वजह क्या हो सकती है। चमक होने की वजह हो सकती है आपका ऑनलाइन शॉपिंग की जगह पे ऑफलाइन शॉपिंग करना अपने नज़दीकी दुकानदारों से। इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं है, लेकिन किसी के चेहरे पे एक चमक तो आ जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन ही है दुकानदार जिनकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ, और शायद आप समझ नहीं रहे हैं या पहचान नहीं रहे हैं इन दुकानदारों को। ये वही तो हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपसे रोज मिलते हैं, ना जानते हुए भी आप इनसे रोज आई कांटेक्ट करते हैं। वही तो हैं जो हमारे त्यौहार हमारे साथ मनाते हैं। तो क्यों ना इस दिवाली इनकी भी मनाई जाए हैप्पी दिवाली। और जब हम ये काम करेंगे तो इनके जो चेहरे पे जो मुस्कान आएगी वो दिवाली के बहुत बड़े बोनस से कम तो नहीं होगी, देख लेना। इसलिए तो कहता हूँ आइए मनाएं ये दिवाली अपनों वाली। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जाए ना जाए ना जाए ना